एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं अपने छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो एनवायरमेंट बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया कभी। मज़ा आएगा वीडियो को शूट करने में, और हो भी सकता है कि आप लोगों को थोड़े बहुत इधर उधर के टैंटू पैंपू वाला आवाज़ भी आए, इसको इग्नोर कर दीजिएगा और हम चलिए अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। फिर मैं करूँगी क्लीन गर्ल मेकअप लुक, लेकिन उसको थोड़ा सा बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, मतलब आप उसको कहीं भी करके जा सको, कुछ उस टाइप का। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो मैंने थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लिया, ये बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हरियाली हरियाली हो गई है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी ना, सारे बहुत ही क्यूट, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, कीका कामेंग टोनर। ये बहुत ही क्यूट पैकेजिंग के साथ आती है, जस्ट लुक, मतलब इस बैकग्राउंड के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल को लेंगे अपने पाम में। इसको अगर आप यूज़ करते हो कोई भी टोनर, तो आप अपने फ्रीज़र में या फ्रिज में स्टोर करके रखिए, ज़्यादा अच्छा होता है। और सुपर क्यूट मॉइस्चराइज़र अभी अप्लाई करेंगे। ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र है, विटामिन सी प्लस ई रेंज की है। लुक एट द पैकेजिंग, कितनी प्यारी है। तो ये विटामिन सी है इसमें, तो जब आप डे टाइम में कहीं भी जाते हो, विटामिन सी सनस्क्रीन से पहले लगाइए। कोई भी क्रीम आप लगा सकते हो, लेकिन विटामिन सी लगाइए। अब अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए मैं टू क्यूट ऑर्गेनिक्स की सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, साथ ही साथ ये बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इसको मैं कुछ 2-3 पंप लूँगी। क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे प्रोडक्ट्स को मैं ढोकर लेकर आई हूँ नीचे से ऊपर। सोच सकते हो कि मेरा कितना मन कर रहा था ऊपर बैठ के मेकअप करने का, और यहाँ के सारे अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे देख रहे हैं, सोच रहे लड़की क्या कर रही है, पागल वागल तो नहीं हो गई कहीं। लिप्स को प्रेप करेंगे, तो इसके लिए ये मैं स्ट्रॉबेरी लिप बाम यूज़ करूँगी। ये बहुत क्यूट पैकेजिंग के साथ, साथ ही साथ लिप्स को बहुत मॉइस्चराइज रखती है। ये मैंने मीशो से लिया था, आपको ये लोकल मार्केट्स में भी मिल जाएगी। इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल था, और बहुत सारे लिप प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे इसके साथ। रियल स्ट्रॉबेरी की तरह दिखती। अब मैं बीबी क्रीम लगाऊंगी। ये मार्स का बीबी क्रीम है, बहुत ही अच्छी बीबी क्रीम है। अगर आप डेली बेसिस के लिए कोई भी ऐसा बीबी क्रीम ढूंढ रहे हो, या पार्टीज़ के लिए भी ढूंढ रहे हो, आउटिंग के लिए ढूंढ रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल स्किन लाइक टेक्स्चर देती है आपकी स्किन में। मैंने थोड़ा जूम कर लिया ताकि आप देख सको इसका टेक्स्चर, बहुत सही है। इसको थोड़ा सा निकलने में टाइम लगता है, बस वही इसकी एक डीमेरिट्स है इसका, बट ये बिल्कुल स्किन लाइक टेक्सचर देता है। आपको कोई ब्यूटी ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप जब इसे लगाओगे, तो ये हैंड से ही ब्लेंड हो जाती है। अब मैं ये क्यूट सा लिप, आई डोंट नो, ये लिप ग्लॉस की तरह है, बट ये लिपस्टिक टिंट का भी काम बहुत अच्छा करता है। पैकेजिंग भी इसकी बहुत क्यूट है। इसको मैं थोड़ा सा अपनी चीक्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। एकदम नेचुरल सा ग्लोई ग्लोई सा इफेक्ट मिलता है, मतलब शायद आपको दिखेगा भी नहीं है, इतना नेचुरल है। मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। ये है ब्लर कॉस्मेटिक्स की, ब्लर इंडिया की, डूड डोंट टच माई ग्लॉस की रेंज में से चेरी रेड इसका शेड है। बहुत ही प्यारा सा इसका शेड है, मतलब ये एवरीडे के लिए ना बिल्कुल मस्ट हैव। टिंट है, ग्लॉस है, दोनों ही है। आपको पता है सारे लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, सोच रहे हैं ये सच में पागल हो गई है। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मुझे हो रहा है कि तो दिखा भी नहीं सकती कौन लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। एनीवेज, आई डोंट केयर। इसी को हम अपने इस आईली पे भी लगा लेते हैं, एंड इसमें भी और अच्छे से लगा लेते हैं, उस टाइम अच्छे से नहीं लगी। मैं ये लगाऊंगी, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 शेड्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, और इसमें आपको रेड और ऑरेंज शेड एंड मरून शेड, जैसे ये बहुत ही प्यारा सा रेड शेड है, इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। पहले लिप्स से एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव कर लेंगे ताकि ये अपना प्लेस बना सके। ये इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाएंगे, ये ब्लर वाला, एंड आपकी लिप्स बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी, ग्लॉसेस यूज़ करते हो इस तरीके से आप यूज़ करिए।
पाउडर से सेट कर लेते हैं बेस को, क्योंकि मैं ऑयली स्किन की हूँ तो मेरे को पाउडर से सेट करना ही होता है। मेरा बेस है वो कुछ टाइम बाद क्रीज करने लगेगा। मैं अपने आईलिड पे एक ब्राउन न्यूड शेड यूज करूंगी। मस्कारा यूज कर ले रही हूँ, एक काजल यूज कर रही हूँ जहाँ पे मस्कारा लगाया था। तो जब आपकी आई लैशेज ऐसे उठती है ना, तो ये जो लाइन होता है वाटर लाइन अपर वाला, उसको थोड़ा सा कवर करने पे एक नेचुरल सा लुक आएगा। बिल्कुल जो गैप्स होते हैं उसको बस मैं फिल कर दूंगी। बट कॉन्टोर करेंगे तो ये लव अर्थ का मैं टिंट यूज कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा शेड है। सब कुछ गिर जा रहा है यहाँ पे मेरा, ऐसे ब्रश में लूंगी इसे। पार्ट है हाइलाइटर का, तो सबसे क्यूट मेकअप प्रोडक्ट है हाइलाइटर के मेरे पास। ये मैंने मीशो से लिया था, ये वाला जो शेड है ना, दिस इज हाउ द मेकअप लुक लुक्स लाइक। आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हुए चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।